महाराष्ट्र के अहमदनगर में नीतीश राणे ने जो नफरत अंगेज बयान जारी किया था और दो फिरकों में नफरत पैदा करने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ अहमदनगर के तोपखाना पुलिस स्टेशन में 302 351-1 351-2 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। BNS के दफात के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। बता दिया आपको कि नीतीश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज और जहर अफशानी की थी, जिसके बाद मुसलमानों ने यहां पुलिस स्टेशन का मुहासरा किया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता तौर पर MLA नीतीश राणे के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अहमदनगर में नीतीश राणे ने रामगिरी की भी हिमायत की थी और मुसलमानों को चैलेंज किया था। इतना ही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान जारी करते हुए ये उसने वाज़े किया था कि वो मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे। यहाँ हम 90% हैं, आप 14% हैं और यहाँ की हालात भी जो है बांग्लादेश के तर्ज पर कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है हिंदुस्तान का मुआवजना नीतीश राणे ने बांग्लादेश से भी किया था और यहाँ तशद्दुद बरपा करने की धमकी दी थी। मुसलमानों को धमकी देने, नफरत अंगेज तकरीर करने के मामले में नीतीश राणे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यहाँ अमन व अमान बरकरार है। पुलिस ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट शेयर ना करें और इस तरह की पोस्ट को शेयर करके माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें, जबकि मुसलमानों ने बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी तरीके से नीतीश राणे के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दिया आपको कि महाराष्ट्र इलेक्शन करीब है, ऐसे में नीतीश राणे जो है बदज़बानी पर आमादा हो चुके हैं और मुसलसल जो है हिंदू सर्कल रैलियों में शामिल होकर वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देते हैं। ऐसे में सरकार को महाराष्ट्र में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है और ऐसे नफरत अंगेज चिंटियों के खिलाफ कार्रवाई भी ज़रूरी है। जहाँ के इंसाफ की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वहाँ के जो है पुलिस के जिम्मेदारान ने क्या कहा और किस तरीके से नीतीश राणे ने जो है बस जबानी की थी। कशाला द्यायचं आम्ही आमच्या पोलिसांना त्रास? आम्हाला पण बघायचंय ना कुठल्या दिशेने येतात आणि कसे परत जातात, आम्हाला पण पाहायचंय कसे थोबडे कसे फिरतात त्यांचे। परत सांगून देतो पाय तर हिंदी मध्ये सांगतो, वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडूंना समजलं पाहिजे ना, नाहीतर बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारे तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुमको अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही से रखेंगे नहीं। हर चीज में अगर पॉलिटिक्स
की शहरामध्ये शांतता राखावी, कुठेही काही अनुचित प्रकार झालेला नाहीये आणि सर्व धर्मियांच्या कुणाच्याही भावना दुखावल्या जाणार नाहीत असे कृपया वक्तव्य करू नये। पोलीस प्रशासनाचा सगळीकडे सर्वत्र बंदोबस्त आहे, आपल्याला कोणतीही काही समस्या असेल तर पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधावा, परंतु कोणत्याही अफवांवर कृपया विश्वास ठेवू नये आणि शहरातील वातावरण शांत व सर्वसलोकामय राहील यासाठी पोलीस प्रशासन कटिबद्ध आहे। नागरिकांनीही आम्हाला मदत करावी आणि याच्यामध्ये कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये। धन्यवाद।